जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत बन सकता है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे पहला कस्टमर। भारत के ट्राई सर्विस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ने स्टार्ट करी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आने वाले सप्ताह में अमेरिका और रशिया को करेंगे विजिट। अमेरिकन कंपनी को शक है कि उनके टेक का इस्तेमाल भारत ने किया है चीन और पाकिस्तान पर जासूसी करने के लिए। और इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद कर्नाटक के कोस्टल बेल्ट पर जारी किया गया है रेड अलर्ट। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारे उन 18 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जो आज ही के दिन आज से करीब 5 साल पहले उरी आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे, और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। कल जम्मू कश्मीर के कुलगांव में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल बंटू शर्मा पर हमला किया गया है, और ये हमला उन पर तब हुआ जब वे निहत्थे थे। और बता दें कि इस कायरतापूर्ण हमले में कांस्टेबल बंटू शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और जबकि इस हमले के कुछ घंटों बाद कुलगांव में ही एक और आतंकी हमला किया गया, और उसमें बिहार के एक लेबरर जिनका नाम है शंकर चौधरी, उनकी भी हत्या की गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कांस्टेबल बंटू शर्मा और शंकर चौधरी की आत्मा को शांति मिले, और ये देश कांस्टेबल बंटू शर्मा के सर्वोच्च बलिदान का सदा ऋणी रहेगा। और जबकि इस हमले को लेकर कश्मीर के IGP विजय कुमार का कहना था कि अभी हाल ही में कश्मीर वैली में जो एक आतंकी संगठन के टॉप कमांडर को एलिमिनेट किया गया था, तो उस बात से पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके हैंडलर्स काफी ज्यादा परेशान हैं, और वे इस चीज को लेकर भी काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह की मृत्यु के बाद भी घाटी में पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन कैसे करके रखा गया है, और बस अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते वे कायरतापूर्ण तरीके से अनआर्म्ड पुलिसमैन पर अटैक कर रहे हैं। और जबकि आज श्रीनगर के नूरबाग में आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ होने की भी रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि आतंकी इस दौरान बचकर निकलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वे अपने पीछे एक पिस्टल और एक AK-47 छोड़ गए हैं। हालांकि पुलिस रीइन्फोर्समेंट और CRPF ने अपने स्क्वाडन एरिया को और एक्सपेंड कर दिया है, और सर्च ऑपरेशन जारी है। और हमें पूरा विश्वास है कि कांस्टेबल बंटू शर्मा की किलिंग के पीछे जो भी हैं, उनको हमारी फोर्सेस समय पर होरीफाइड करके सही जगह पहुंचा देगी। बाकी शुक्रवार को NIA की तरफ से भी रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि उन्होंने IS से रिलेटेड अभी तक करीब 37 आतंकी हमलों वाले केसेस की जाँच की है, और इन 37 यानी कि इन 37 केसेस में करीब 168 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो ISIS है, ये अपने प्रोपेगेंडा को कांस्टेंट ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से लगातार फैला रहा है। 16 सितंबर को ट्यूमेन सिटी में आयोजित किए गए एक ऑयल एंड गैस फोरम में अपनी स्पीच के दौरान रशिया के डेप्यूटी PM यूरी बोरिसोव का कहना था कि भारत रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे पहला बायर बन सकता है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से रशियन आर्म्ड फोर्सेस को इक्विप किए जाने के बाद ही दूसरे कंट्री को इसे सप्लाई करने को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भारत एक पोटेंशियल क्लाइंट है, लेकिन इसके किसी भी एग्रीमेंट को लेकर कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। बाकी S-500 सिस्टम का जो एक्सपोर्ट वर्जन होगा, वो रशियन मिलिट्री को दिए जाने वाले सिस्टम के कंपैरिजन में अलग होगा। और ये तो जाहिर से बात है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भारत द्वारा लिए जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कंपैरिजन में एडवांस ही होगा। हालांकि अगर आपको ये जानना है कि S-500 S-400 के कंपैरिजन में कितना एडवांस है, तो इस पर हमने डिटेल वीडियो पहले बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये सामने आई है कि आने वाले सप्ताह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत रशिया और अमेरिका को विजिट करेंगे, और अपनी इस विजिट के दौरान वे दोनों देशों के डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। और गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की इन दोनों विजिट को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली भारत की ट्राई सर्विस कमांड एलीट आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ने अपने कमांडोज के साथ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है, ताकि एक कॉमन ऑपरेशन प्रोसीजर को विकसित किया जा सके। यानी कि इस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इस आर्म फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन में जो इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज शामिल हैं, तो उनके लिए एक ऐसा कॉमन ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए जिसकी मदद से वे एक साथ संयुक्त रूप से ऑपरेट कर सकें। और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि स्पेशल फोर्सेज की सेंसिटिविटी और सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक स्पेशलाइज्ड लेवल तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इंडियन आर्म फोर्सेज के इस खास स्पेशल ऑपरेशन वाले डिवीजन को भारत सरकार की तरफ से 28 सितंबर 2018 में अप्रूवल दिया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि नवंबर 2019 से ये डिवीजन पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, और इसमें इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेज, नेवी की मार्कोस और एयरफोर्स की गरुड़ स्पेशल फोर्सेज के मिलाकर टोटल 3000 कमांडोज इसमें शामिल हैं। और बाकी अगर आपको इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए, तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमने इस पर भी ऑलरेडी वीडियो पहले बनाई है, जिसमें हमने आपको इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन की खासियतों के बारे में बताया है।
और हमारे इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप भारत के इस खास स्पेशल फोर्सेज डिवीजन के बारे में जान सकते हैं। और बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये सूचित करना चाहेंगे कि हमारी जो अगस्त महीने की विदेश ई मैगजीन थी, तो होने को तो उसका जो ऑफर टाइम था वो पूरा हो चुका है, लेकिन आप सभी की तरफ से आ रहे रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि अब इस ऑफर को थोड़े और समय के लिए जारी रखा जाएगा। और केवल अगस्त ही नहीं बल्कि जुलाई महीने वाली विदेश ई मैगजीन पर भी यही ऑफर लागू रहेगा, जिसका मतलब यह है कि अगर आप जुलाई और अगस्त महीने की विदेश ई मैगजीन को बाय करते हैं तो आपको ये केवल 11 रुपए में मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप में से कोई है जिन्होंने विदेश ई मैगजीन को अभी तक बाय नहीं किया है और करना चाहते हैं, तो इस पैसा वसूल ऑफर को मिस ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर आप हमारी विदेश ई मैगजीन को बाय कर सकते हैं। महाराष्ट्र ATS और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने जोगेश्वरी एरिया से एक और व्यक्ति को कस्टडी में लिया है और उस पर शक है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो भी कुछ दिनों पहले एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया था, तो इस व्यक्ति का कनेक्शन उसी मॉड्यूल से हो सकता है। और जिस व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है उसका नाम है जाकिर और फिलहाल अभी इसे पूछताछ जारी है। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि अमेरिकन कंपनी को इस बात का डर है कि भारत ने उनके टैग का इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान पर जासूसी करने के लिए किया था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने US साइबर सिक्योरिटी कंपनी एक्सोडस द्वारा फाउंड किए गए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कमी का इस्तेमाल करके चीन और पाकिस्तान को टारगेट किया था। हालांकि एक्सोडस ने अब इस वल्नरेबिलिटी वाले फीड तक भारत के एक्सेस को कट कर दिया है, क्योंकि उसे भारत पर शक है कि भारत ने जीरो डेज को दूसरों को लीक कर दिया है। आपको बता दें कि जीरो डे किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की उस कमी को कहा जाता है जिसे दूर करने के लिए जब तक कि कोई पैच डेवलप नहीं हो जाता है तब तक हैकर्स उस कमी का इस्तेमाल प्रोग्राम को एक्सप्लोइट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि ये सॉफ्टवेयर की वो कमी है जिससे दूसरे या सॉफ्टवेयर डेवलपर अनजान रहते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जीरो डेज होते हैं किसी भी सिक्योरिटी ब्रीच से बचने के लिए और सॉफ्टवेयर की कमी को किसी पैच को डेवलप करके दूर किया जाए। आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट के साथ इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान के रीसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर डिस्कशन किया है। और जबकि अभी हाल ही में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सबमरीन वाली डील में अपने विरोध को दिखाते हुए दोनों ही देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी मतभेद के चलते फ्रांस ने अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुलाया हो। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वाले न्यूज को हमने आज के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट में कवर किया है, तो अगर आपने आज के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स नहीं देखे तो हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कर्नाटका के 225 किलोमीटर लंबे कोस्टल स्ट्रेच पर एक रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई संदिग्ध आतंकी गतिविधियां होने के इनपुट्स मिले हैं। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी है कि गुरुवार को पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत पाकिस्तान सीमा के पास BSF ट्रूप्स ने एक और पाकिस्तानी ड्रोन को स्पॉट किया था, और जो ड्रोन है ये रात को 8:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा फेंसिंग के पास स्पॉट हुआ था, और फिर BSF ट्रूप्स की तरफ से की गई फायरिंग के बाद वो ड्रोन वापस से पाकिस्तान की तरफ चला गया। और बाकी पाकिस्तान से याद आया, अगर आपको सीखना है कि एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे किए जाते हैं तो आप हमारे निकम में पड़ोसी से ट्रेनिंग ले सकते हैं, और हमारे पड़ोसी ने अपनी इस काबिलियत को अभी प्रदर्शित भी करके दिखाया था, जिन्होंने उनके वहाँ क्रिकेट खेलने आई न्यूजीलैंड की टीम के लिए सुरक्षा के इतने फुल प्रूफ इंतजाम किए थे कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद वापस जाने का फैसला ले लिया। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने सबसे पहले वीडियो को स्पीड की लाइट से लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर डिफेंस स्क्वाड को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।